नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, सीईटी की बात हो रही है कि 2019 से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के एग्जाम सभी खत्म कर दिए जाएंगे और सीईटी होगा, ठीक है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे और प्लस इसकी तैयारी कैसे करें और प्लस इसके क्या क्या डाउट्स हैं, इससे क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, सब कुछ इसी में डिस्कस करेंगे। देखिए, सीईटी के अगर आप अभी देखें, अभी का स्ट्रक्चर क्या है, अभी क्या होता है, एसएससी के अलग एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। रेलवे के अलग एग्जाम होते हैं, जैसे अभी हो रहे हैं ग्रुप डी, ग्रुप सी, प्लस ये असिस्टेंट लोको पायलट, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। बैंकिंग के तो आप जानते ही हैं, हजारों एग्जाम होते हैं, बहुत सारे, मतलब हजारों नहीं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो अभी क्या है, सबके अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं। अब देखिए, सीईटी का क्या मतलब है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि क्या है कि तीन जो ये बड़े बड़े एग्जाम हैं इंडिया के, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, इन सबको मिला के होगा एक टेस्ट सिर्फ, ठीक है। अब उसमें कोई ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करें, ठीक है। आप देखिए क्या करना है, ये इसमें ये नोटिफिकेशन आया है, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये नोटिफिकेशन। इन्होंने बताया है कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो इसका सार है वो मैं बता रहा हूँ। ये बताया इन्होंने कि पहली बात तो ये है कि अब 2019 से सीईटी होगा। अब देखिए, जो सीईटी का ओवरऑल इनका लॉन्ग टर्म का प्लान क्या है कि तीन लेवल पे होगा इनका सीईटी, ठीक है। तो एक होगा आपका ये ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, एक होगा आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, एक होगा आपका प्लस टू लेवल पे और एक होगा आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे। तो देखिए, जैसे मतलब इस समय बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कोई 10 प्लस मांगता है, कोई 12 प्लस मांगता है, कोई ग्रेजुएशन मांगता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी सीईटी जितने भी एग्जाम होंगे, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी, इन सभी का एक मतलब आपका जो जिस क्लास के बेसिस पे, तीन टाइप के एग्जाम करवाने हैं इनको मेनली। लेकिन ये 2019 से क्या है, ट्रायल बेसिस पे चालू करेंगे ग्रेजुएशन वाला। तो ग्रेजुएट वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे सीजीएल हो गया आपका, ठीक है, प्लस कुछ बैंकिंग के जो एग्जाम हो गए, वो सभी और प्लस रेलवे में भी जहां जहां ग्रेजुएशन मांगी जाती है, वो सभी आपके ट्रायल बेसिस पे 2019 से चालू होंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि सीईटी में दो टीयर होंगे। टीयर वन तो है प्रीलिम्स, मतलब जैसे आपका एसएससी सीएल का टीयर वन होता है, या फिर अगर आप देखें तो आईबीपीएस या फिर जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं उनका भी एक पहली स्टेज होती है, तो ये वो है। और प्लस आपका रेलवे में भी, तो प्रीलिम्स सबका कॉमन होगा और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक स्टूडेंट को, अगर मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम है, एसएससी में, सीजीएल में अलग क्लियर होना होता है, सीएचएसएल में अलग क्लियर होना होता है और बहुत सारी चीज़ों में अलग क्लियर होना होता है, अगर आप एक लेवल की भी बात करें कि मतलब ग्रेजुएट है कोई बंदा, ठीक है, तो उसको ग्रेजुएट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम अलग अलग निकालने होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्रीलिम्स इन्होंने एक कर दिया, तो टीयर वन यहाँ पे हो गया कॉमन। अब ये कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया आपका एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का। टीयर टू क्या है, मेंस है, जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस होता है, तो वो अपना अलग अलग कराएगा, ठीक है। तो वो जो भी आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी होगी, एसएससी होगी, रेलवे होगी, बैंकिंग, वो अपना अलग अलग कराएंगे। इसमें बहुत ही मतलब ये जो अगर ये एग्जाम पूरी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होगा। करीबन 5 करोड़ लोग इसमें बैठने की उम्मीद है। अभी आपने देखा होगा रेलवे का जो एग्जाम हुआ था, करीबन उसमें बहुत सारे लोग 2-3 करोड़ तक हो गए थे, ये उससे भी बड़ा है, ठीक है। क्योंकि रेलवे भी यहाँ पे मिल रही है, एसएससी भी मिल रही है और बैंकिंग भी मिल रही है। अब देखिए, ये तो हो गई बात, ठीक है। अब इसमें और भी बातें कही गई हैं कि एसएससी जो है उसको स्टैट्यूटरी बनाने की बात की गई है, ताकि उसको और ज़्यादा पावर दे दी जाए। और जो ये बहुत सारे देखिए समस्याएं बहुत है, क्योंकि स्टूडेंट की समय समस्याएं ये हैं कि चीटिंग हो जाती है जब ये लोग प्राइवेट, मान लीजिए इन लोग को कुछ ऑनलाइन कराना है एग्ज़ाम, तो इनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, हालांकि उस पर फोकस करना चाहिए इनको, लेकिन जो प्राइवेट जितने कैफे वैफे हैं उन लोगों से ये लोग डील करके लेते हैं। तो अब उसमें सब वो वाली बातें भी करी गई हैं कि उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, फेयर सिस्टम लाने की कोशिश की जाएगी, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, अब मेन बात ये है यहाँ पे कि जो ये सीईटी एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कौन कराएगा, इसको कंडक्ट कराएगी एसएससी। तो देखो, तीन लोग हैं, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। एसएससी का जो पैटर्न है उसमें जीएस भी आती है। अब जो बैंकिंग वाली चीज़ें हैं उसमें इंग्लिश में वोकैबुलरी और वो सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो बैंकिंग वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत 5-10% का मेरे हिसाब से चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए बैंकिंग में भी आप लोग जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो पढ़ते ही हो, ठीक है, वही एसएससी में भी पढ़ते हो और वही आपका रीजनिंग में पढ़ते हो। बैंकिंग में जो होता है फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड की बात होती है, क्योंकि बैंकिंग में बहुत स्पीड मैटर करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि एसएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, एसएससी में भी बहुत लोग तैयारी करते हैं, टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो करीबन 80 लाख से ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं टोटल एसएससी में। रेलवे की तो 1.5-2 करोड़ है करीबन, और आपका बैंकिंग के भी बहुत बहुत ज़्यादा छात्र हैं। अब यहाँ पर अगर ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम एसएससी कराएगा तो जो पैटर्न होगा कॉमन, जो ये आपका प्रीलिम्स के लिए, वो एसएससी जैसा होगा। ठीक है, एसएससी जैसा कैसा होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ एकदम वो बैंकिंग वैंकिंग वाला हटाई दिया जाएगा, थोड़ा बहुत 5-10% हो सकता है कि चेंज हो, लेकिन जो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो चीज़ें होंगी एसएससी वाली होगी। ठीक है, और जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो एसएससी का एग्ज़ाम तो देते ही हैं लगभग, और वही लोग रेलवे का भी देते हैं। तो देखिए, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप होगा अगर इसमें ये सभी चीज़ें इंश्योर कर दी जाएँ कि ट्रांसपेरेंसी होगी पूरी, कोई चीटिंग नहीं होगी, प्रीलिम्स में जैसे जो भी स्कोर होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और प्लस मतलब जो ये जैसे ये पूरा की फेयर सिस्टम रहे कुल मिला के। अब देखिए, स्टूडेंट को बेनिफिट इससे क्या हो सकता है कि अलग अलग एग्ज़ाम नहीं करने पड़ेंगे, तो अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, तो अलग अलग पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आपने एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया और आप एसएससी के लिए भी इलिजिबल हो गए, मान लो अगर आपके टीयर वन में आ गए, और आप वही बैंकिंग के लिए भी उसी के लिए टीयर टू में जा सकते हो और रेलवे के लिए भी जा सकते हो, तो मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो बढ़ गई है ना ये, और कम। और दूसरी बात ये भी कि सरकार को भी या फिर जितनी भी रिक्रूटिंग एजेंसी है उनको भी अलग अलग जगह फोकस नहीं करना पड़ेगा, सभी लोग मिलकर एक जगह पर फोकस करेंगे टीयर वन करवाने पर। ठीक है, और इसमें अगर मान लीजिए एसएससी को ये स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिल गया, ठीक है, तो फिर और ज़्यादा इसको मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे, ऑटोनॉमी भी दी जाएगी, तो जो कुल मिला के बात यह है कि सिस्टम फेयर सिलेक्शन की तरफ अगर ये सब कुछ जैसा सोचा गया है वैसा हो गया तो फिर हो सकता है ये। अब देखिए, इसमें एक थोड़ी सी कठिनाई भी ये है कि जैसे एसएससी में कुछ जीएस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत तैयारी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ वो होगा नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये जैसा भी होगा सीईटी का, अब जैसे जो भी इसका देखिए सिलेबस तो देंगे ही ना, जब नोटिफिकेशन आएगा अगले साल फरवरी 2019 से है एग्ज़ाम, उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखो जो मेजर सेक्शन क्या क्या है, मेजर सेक्शन मान लो जीएस है, ठीक है, जीएस में क्या आता है, स्टैटिक जीके और प्लस आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि करंट अफेयर मैं जैसे करवा ही देता हूँ, टोटल करंट अफेयर करवा देता हूँ, वो पुलिस, रेलवे, एसएससी, पीसीएस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और प्लस स्टैटिक जीके का भी मैं जैसे एग्जाम एनालिसिस होती है, प्लस ऐसे काफ़ी सारे वीडियो दे देता हूँ। दूसरी बात, एक आपको बात बता दूँ कि एक हमारी वेबसाइट है www.studyforcivilservices.com, ये वाली वेबसाइट आप देख लीजिए। देखिए, ये जो वेबसाइट है www.studyforcivilservices.com, इसको आप फॉलो करते रहिए, सीईटी के लिए जितना भी जो जीएस और प्लस आपका जीके होगा वो पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सीईटी के लिए आपका जितना जीएस जीके करंट अफेयर होगा वो सब यहाँ पे करवा दिया जाएगा। दूसरा सेक्शन क्या आएगा, दूसरा सेक्शन आएगा एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड तो जैसे बाकी सब जगह लगभग तो कॉमन होता है, थोड़ा बहुत 5-10% का डिफरेंस होता है, तो उसके लिए जो भी बुक्स हैं और प्लस काफ़ी सारे वीडियोस मैं देता रहूँगा, और ये सब चीज़ें अभी का चालू करेंगे, एक बार जरा ये अभी यूपी पीसीएस का मेंस हो जाए उसके बाद ये इस पर भी फोकस करना चालू करते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के लिए भी लगभग लेवल सेम ही रहता है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। तो आपका जीएसजी के करंट अफेयर आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, और चौथा सेक्शन क्या होता है, जनरली इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश के लिए भी बहुत ही जल्द हम लोग, ये कुछ बात चल रही है लोगों से, इंग्लिश के लिए एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड टीचर रहेगा कि जो कि डेली पढ़ाएगा। और बस ये जरूर है कि इंग्लिश का जो फोकस है वो बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा होता है, तो देखो कहीं थोड़ा फायदा हो सकता है, कहीं थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है, और कुल मिला के अगर ये सब चीज़ें ठीक से कर दी गई तो बड़ा अच्छा स्टेप है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो स्कोर है वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जो आपका टीयर वन होगा 2 साल के लिए वैलिड होगा, उसको आप और भी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, कुछ और गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में भी, कि देखिए मेरा इसका इतना स्कोर आया है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया स्टेप है, अगर ये इसमें बस एक चीज़ ये इंश्योर कर दी जाए कि सिस्टम फेयर हो, करप्शन नहीं होना चाहिए, और जो ये बॉडी बना रहे हैं ये, जैसे एसएससी को अगर स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल जाए
प्लस एक ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि जो ये सब चीज़ें निगरानी करे एसएससी, तो ओवरऑल मतलब वो करेगा कि पेपर भी देगा, एग्ज़ाम भी करवाएगा, सेंटर भी कंडक्ट करेगा, लेकिन एक पूरे इंडिया में एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं, इवन यूपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस कमीशन है या फिर जितने भी एग्ज़ाम हैं, सबके लिए एक स्टूडेंट का कुछ पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट लोग शिकायत कर सकें कि वहाँ पे आपकी ये समस्या थी, मान लीजिए किसी के सेंटर में कुछ बदतमीजी हुई, लोगों ने पेपर लेट दिए, तो ये सब चीज़ें अगर किसी तरह इंश्योर कर दें। अभी जैसे यूपीएससी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, उसको 2 मिनट लेट हो गया था तो वो जाने नहीं दिया था, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट को इस तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए। और बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसमें जैसे ही सिलेबस आएगा लगभग चीज़ें 90% सेम है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप है। बाकी आप लोग और बताइए, कोई और डाउट हो या फिर कन्फ्यूज़न हो या कैसे तैयारी करना है वो सब अगर है तो, मतलब देखो तैयारी करना है एसएससी की तरह, एसएससी की कैसे तैयारी करते हो वही सब बुकें आपको करनी पड़ेंगी। जीएसजी के करंट अफेयर के लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं, सब हमारा चैनल बस फॉलो कर लो और ये वेबसाइट फॉलो कर लेना, सब मिल जाएगा यहीं पे। और यहाँ पे पीडीएफ आपको पूरा बैठ के पढ़ सकते हो आप, कोई उसमें चार्ज नहीं है, बस डाउनलोड करने की अभी फैसिलिटी नहीं है, डाउनलोड वाली भी दे देंगे जल्दी, ठीक है। उसके बाद आपके बाकी जो एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एप्टीट्यूड के लिए क्या है, एप्टीट्यूड के लिए आपकी या तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हो या फिर किरण की जो बुक आती है, रीजनिंग के लिए भी वैसी बुक ले सकते हो, और इंग्लिश के लिए काफ़ी सारी किरण की बुक है, नीतू मैडम की बुक है, तो एक आध बुक लेके आप पढ़ सकते हो और वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने लगेंगी। और जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओनली एसएससी। देखिए टेलीग्राम का एक ग्रुप है, ये सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए बनाया गया था, और अब ये सीईटी वाला होगा तो एसएससी उसको करवा रहा है, तो ये वाले एग्जाम में जितनी भी बुक वुक है आपको, जो भी पब्लिक डोमेन में फ्री है, सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे और प्लस हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।